पर आ रही है एसपी कांग्रेस के बीच समझौता तय। सूत्रों के हवाले से ये खबर, गठबंधन पर हो सकता है ऐलान। सूत्र ऐसा बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि अब तक जो ये आशंका जताई जा रही थी कि दोनों के बीच में कुछ सहमति नहीं बन पा रही है, यानी एसपी और कांग्रेस के बीच में, और कल 5 नामों के ऐलान के साथ वाराणसी से एक उम्मीदवार एसपी ने उतार दिया था, जबकि अजय राय वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि शायद समझौता ना हो, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है इंडी गठबंधन को लेकर, बड़ी खबर, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता तय माना जा सकता है। गठबंधन पर जल्द ही ऐलान हो सकता है, सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है। सीतापुर सीट की बात की जाए तो वहां पर किसी तरह से बातचीत करने के लिए शिवम इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। शिवम, क्या जानकारी से लेकर? पर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच समझौता लगभग तय हो गया है, इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। दोनों पार्टियों के नेता या तो संयुक्त प्रेस वार्ता कर सकते हैं या फिर संयुक्त तौर पर एक लिस्ट जारी की जा सकती है। उस सूत्रों का ये दावा है कि कांग्रेस आला कमान ने अखिलेश यादव की जो सीटों की लिस्ट दी गई थी उसमें सिर्फ अंतिम दो बदलाव मांगे, जिसमें पहला बदलाव हाथरस से है, जहाँ सपा को हाथरस कांग्रेस ने वापस दे दिया है, उसके बदले में सीतापुर मांगा है, और दूसरा बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा ले ले और कांग्रेस को श्रावस्ती दे दे। इस बात पर भी सपा ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। बड़ी बात यह है कि वाराणसी से सपा ने जो कैंडिडेट घोषित कर, और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन दो बार बनवाना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई है सब में कहीं ना कहीं पर्चा लीक हुआ है, और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। चलिए, यहाँ तो हालांकि बहुत ज्यादा गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं करी है अखिलेश यादव ने, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उससे कांग्रेस और एसपी के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। शिवम, कुछ पता चल पाया है कितनी सीटों पर बातचीत हो गई है, समझौता हो गया है, और कल के जो तीसरे लिस्ट की बात थी उसके बाद शायद प्रेशर में रही होगी कांग्रेस, जिसके बाद जल्द से जल्द वो कुछ नतीजा इस गठबंधन को लेकर निकालने की कोशिश कर रही थी? बिल्कुल, देखिए दोनों पार्टियों की उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूरी है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं जा सकते, ये बात लगभग शुरुआत से तय थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बीजेपी की आंधी है उससे के सामने फाइट करने के लिए सपा और कांग्रेस एक दूसरे का साथ चाहते हैं। सूत्रों का ये दावा है कि अखिलेश यादव ने जो लिस्ट दी थी वो कांग्रेस ने मान ली है, सिर्फ दो चेंजेस बड़े किए हैं, जिसमें पहला हाथरस से है, ये सीट सपा को वापस दे दी गई है, कांग्रेस ने दी है और वहां से सीतापुर सीट मांगी है। दूसरा बुलंदशहर या मथुरा, जिस पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी, इन दोनों सीटों को कांग्रेस ने वापस कर दिया, इसके बदले में श्रावस्ती सीट मांगी है। कांग्रेस अब संतुष्ट है, कभी भी ये ऐलान हो सकता है संयुक्त वार्ता के जरिए या फिर लिस्ट जारी हो सकती है। 17 सीटें जो कांग्रेस को मिली है उसमें प्रमुख सीटें हैं रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बाराबंकी, देवरिया, मथुरा, सीतापुर। एक तरीके से आप ये कहें कि दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो गया है, अखिलेश यादव ने भी लगभग ये तय कर दिया है कि अब कभी भी ऐलान संभव हो सकता है। जो एक दो सीटों को लेकर पेश फंसा हुआ था उसको लेकर भी बातचीत हो गई है, आज शाम या कल कांग्रेस और सपा का जो अलायंस होना है उसकी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, राजनीतिक मजबूरी भी है दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी को भी हराना अगर तो साथ में आना जरूरी हो जाता है शिवम। लेकिन जो 17 सीटें थी, अखिलेश तो पहले से कह रहे थे कि 17 सीटों पर आप मान जाइए, लेकिन क्या तब भी पेच इन्हीं कुछ सीटों को लेकर फंस रहा था? देखिए, कांग्रेस का ये तर्क था कि सपा ने जो 17 सीटें दी है उनमें से कुछ छुड़ा हुआ है, कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें
साफ हो जाएंगे बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी होगी। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी अंध भला तो सब सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपके नाम, आपका नाम लेकर के निशाना साध, कोई बात नहीं। ये राजनीति, कांग्रेस में जाने की, राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं, फिर से असर रहेगा। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही, उसी में तो सब कुछ निकाल लो और दो घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहाँ कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी वहाँ तो आपने घोषणा कर दी थी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की, ये नहीं दिखाई दे रहा हमें। अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। परीक्षा लिखी है, सरकार ये बताए कि 1,00,000 बच्चों को 100% नंबर मिल गए तो क्या सरकार नौकरी देगी उनको? 60,00,000 बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही है, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो। पर हम आपको बता दें, अखिलेश यादव का बयान आप सुन भी रहे थे, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस से गठबंधन होगा। अब तक अखिलेश यादव 3 लिस्टें निकाल चुके थे कांग्रेस के सामने, उन्होंने 17 नामों का कहा था कि आप 17 सीट ले लीजिए, तब तक उन्होंने इस तरह की कुछ बात नहीं की थी, लेकिन अब स्पष्ट तौर से अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अंत भला तो सब भला, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो रहा है। 17 सीटों पर सहमति बन गई है, कौन कौन सी सीटें हैं शिवम? बड़ी बात अखिलेश यादव ने, अब तक हमने देखा कि 3 लिस्ट जारी होने तक और बार बार ऑफर तो दे रहे थे कांग्रेस को, कभी 15, कभी 17, कभी 12, लेकिन तब तक ये नहीं कहा था कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उन्होंने कहा था वक्त का इंतजार कीजिए। लेकिन अब अखिलेश यादव का बड़ा बयान कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, हमारा गठबंधन होगा। देखिए, जिस तरीके से 12 जोड़ों न्याय यात्रा शुरू हुई उसके बाद से लगातार कांग्रेस को तमाम राज्यों में बड़े झटके लगे और अखिलेश यादव उन्हीं झटकों का फायदा उठाना चाहते थे। प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति दोनों तरफ से हो रही थी। कांग्रेस इस बात का वेट कर रही थी कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में पहुंचे तो वहां पर शक्ति प्रदर्शन करके वो सपा पर दबाव बना पाए। यही एक वजह कि अखिलेश यादव उसमें उस ज्वाइंट रैली में शामिल नहीं हुए, वो रायबरेली भी नहीं गए, क्योंकि अखिलेश यादव ये बात समझते थे कि अगर सीट शेयरिंग से पहले वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही एक वजह है कि अभी तक कोई ठोस घोषणा नहीं हो पाई थी, लेकिन अब समय कम बचा है, दोनों पार्टियां लगातार कोशिश कर रही थी। और एक खास बात यह है कि दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप ने ही अंत में ये तय किया है कि गठबंधन होगा। अखिलेश यादव से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो लगातार फोन पर बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस का ये तर्क था कि अखिलेश यादव ने जो 17 सीटें पहले दी थी उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा चुनाव नहीं जीत पाएगी, ऐसे में हारने वाली सीटें जानबूझकर दे दी गई और लिस्ट बड़ा कर दी गई। यही एक वजह है कि कांग्रेस ने काफी डिमांड बाद में रख दी, चाहे वो रामपुर हो, मुरादाबाद हो, देवरिया हो, बहराइच हो। शिवम, आपसे बातचीत होते रहेगी। अखिलेश यादव ने खास तौर पर गठबंधन को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। तो भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए, आप समझदार हो, सब गठबंधन होगा, सीट को, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी होगी। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी अंध भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपके नाम, आपका नाम लेकर के निशाना साध, कोई बात नहीं। ये राजनीति, कांग्रेस में जाने की, राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना।
अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। अपना बयान क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, हम सुनवा रहे थे दर्शकों को। शिवम, यानी कि जो इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया था अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का न्याय यात्रा में शामिल होने का, इस डील इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो फिर से हो सकता है शामिल हो, एक्सेप्ट करे उस इन्विटेशन को न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए? ठीक है, शिवम के पास लौटेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला, कांग्रेस से गठबंधन होगा। तो अंत भला तो सब भला, और अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया है। अब एक तरह से स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि कांग्रेस और एसपी में गठबंधन होगा। औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वो ऐलान कब होगा ये देखने वाली बात है। 17 सीटों पर सहमति बन गई है, और 17 सीटों पर कुछ सीटों को लेकर आपत्ति थी कांग्रेस की, उसको लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब गठबंधन होगा। राजनीतिक मजबूरी भी दोनों पार्टियों की अपनी अपनी है। अगर एसपी की बात की जाए तो आरएलडी उसके साथ अलग हो गई है उसके साथ से। इसके अलावा बात की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर चुनौती बीजेपी को देनी है तो फिर साथ में लड़ना होगा, और इस बात को राहुल और अखिलेश दोनों समझते हैं। और इसी बात को लेकर गठबंधन की बात अब सामने आ रही है। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए, आप समझदार हो? गठबंधन होगा, विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे यहाँ पर दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया, कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी, अंत भला तो सब सलीम शेरवानी। दिन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया हमारे साथ अलाउद्दीन। अखिलेश यादव ने कहा अंत भला तो सब भला, यानी कि डील पक्की हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। माना यह जा रहा है कि शाम तक हो सकता है ऐलान हो जाए कितनी सीटों पर बात बनी है। देखिए, दबाव बनाने की राजनीति इसी को शायद कहा जाता है कि किस तरह से जो है परसों के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा था कि अब हमारे रास्ते लगभग लगभग अलग हो रहे हैं, और सीट शेयरिंग का फार्मूला जब तक तय नहीं होगा समाजवादी लोग उनकी न्याय यात्रा में नहीं जाएंगे। कल का दिन निकला, उसके बाद लगातार वार्तालाप उनकी जारी रही। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में छोड़ने की बात कही है, उसकी जगह पर एक बड़ी खबर यह भी है, न्यूज 18 में शेयर कर रहा हूं मैं, कि दूसरे राज्यों में सीट लेने की बात देने की बात पर कांग्रेस मान गई है। यानी कि उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 1 से 2 सीटें लेगी, उसके बदले में जो ज्यादा वोट बैंक वाली उनकी सीटें हैं, इस शर्त पर तैयार हुई है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में छोड़ने के लिए कि हमें दूसरे राज्यों में विस्तार दिया जाए। तो माना यह जा रहा है कि आज शाम 5 बजे तक दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि समय का कोई जिक्र सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं वो ये हैं कि जो 17 सीटों के फार्मूले की बात जिस पर चल रही थी, जिसका जिक्र कल न्यूज 18 ने भी किया था, उस चिट्ठी को भी हम लोगों ने बताया था और दिखाया था कि आखिर किन सीटों पर बातचीत चल रही है और अटकी किन सीटों पर बात थी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो 3-4 सीटों को लेकर थी, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। एक तो बनारस की सीट से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार वापस लेने को तैयार हो गई है, बनारस की जगह को अब कांग्रेस को दे दिया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है शायद वो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी सीट जो फंसी हुई थी वो थी बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा लेगी और एक सीट कांग्रेस को छोड़ दी जाएगी, और सरावस्ती की सीट भी कांग्रेस को दे दी जाएगी। हालांकि मुस्लिम बाहुल सीट है, तो ऐसे में इस पर अपना दावा कांग्रेस ठोक रही थी। इसके अलावा हाथरस जो है सपा वापस देने को तैयार हो गई है, और सीतापुर की सीट भी सपा ने बातें मान ली है। तो ऐसे में जिन सीटों पर ज़्यादा विवाद था लगभग लगभग उन सीटों पर से अब जो है विवाद खत्म हो गया है, ऑफिशियल ऐलान का इंतजार है। और ख़ास तौर से जिन 17 सीटों की बात है वो जो है चिट्ठी भी न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि उस जो चिट्ठी जो है लिखी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो चिट्ठी में मैं शो करता हूं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार जो है
वो चिट्ठी में आपको बता रहा हूँ, उन सीटों का भी जिक्र कर रहा हूँ। बिल्कुल अलाउद्दीन, तो कह सकते हैं दो लड़के एक बार फिर साथ आ रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश, और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में सहमति बन गई है। हो सकता है आज शाम तक इसका ऐलान भी कर दिया जाए, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि जिस तरह से अलाउद्दीन बता रहे थे कि शायद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये सहमति बनती दिखाई।